अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कार्ड से निकालते नहीं हो? ये मेरा यूनिवर्सिटी शारदा, द वर्ल्ड इज हेयर, आई हैव पास आउट इन 2020। मैक्सिमम वी हैव कम अबाउट नियर अबाउट इन मैक्स 3 इयर्स, आफ्टर 3 to 4 इयर्स विल बी बैक हेयर। सर शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हेयर। ओ भाई, तो मैं चलता हूँ। सबसे पहली बात तो इधर जितनी है, ये आपका एडमिशन सेल, इधर ये आप देख सकते हो सामने ही, ये एडमिशन सेल है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, हमारा जहाँ पर क्लास चलता था जिस जगह पर, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ अभी। भाई कोई पहचान का भी तो नहीं मिल रहा है। तो इस सारे बिल्डिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई अगर देख लेगा भाई सब। एक बार तो आया था तो मेरी फ्रेंड जो भी थी पहचान गई थी, बट मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मास्क हटाया ही नहीं भाई, थोड़ा अच्छा नहीं लगता भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम मिलता हूँ ना इस वजह से। ओ भैया, पैदल ही रनिंग करना है, अपने पास कार्ड है तो बिंदास कोई दिक्कत नहीं। स्पंच नहीं हो रहा है, रीज़न ये है ना कि 2020 तक इसका वैलिड था कार्ड का, 2020 का वैलिड था, इस वजह से वर्क नहीं किया। भैया जा रहे हैं, देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह जहाँ पर मेरी क्लास चलती थी, स्कूल ऑफ एलाइड एंड हेल्थ साइंस। ये हमारा स्कूल ऑफ एलाइड एंड हेल्थ साइंस। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें चेंज हो गई हैं पहले से, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये यूनिवर्सिटी है हमारी। कोई ना कोई गार्ड तो पहचान के मिल ही जाएंगे, संडे आज फुल एंजॉयमेंट के साथ। ये हमारा क्लास यहाँ चलता था, स्कूल ऑफ नर्सिंग, और जस्ट उसके बगल में स्कूल ऑफ एलाइड एंड हेल्थ साइंस। तो एलाइड एंड हेल्थ साइंस की बिल्डिंग फिर से बनी है दोबारा। ये है 4th नंबर, देख सकते हो बिल्डिंग आप, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर जो है फ्लैग होस्ट होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब फेस्टिव करते हैं। ये सारा है, काफ़ी दूर है भाई। यहाँ पर भी मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बहुत ज़्यादा, ये साउथ इंडियन पिज़्ज़ा कैफ़े, बहुत सारा यार। देखता हूँ कोई नज़र है, देखो कार्ड अपने पास है तो कोई टेंशन नहीं है। ये देखो कार्ड है, ये मेरा, और पीछे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है शारदा। देखो भाई कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास जाओ, काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ। मेरे को लगा शायद ये लोग कुछ बोलेंगे या फिर वैलिड, मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसा डाउट लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला इन्होंने। न्यू बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर, अरे यूनिवर्सिटी ऐसा है ना भाई। ये देखो यहाँ पर पता है हम लोग बटर चिकन वगैरह बिरयानी वगैरह खाने के लिए मतलब आते थे कभी कथार, बाई चांस बटर चिकन और बटर नान, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब रश होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है इधर। तो अभी देखो मैं इधर पूरा सराउंड करना, काफ़ी लंबा भाई यूनिवर्सिटी है, द वर्ल्ड इज हेयर शारदा यूनिवर्सिटी। ये देखो ताऊ काम कर रहे हैं,
नई बिल्डिंग बन रही था वो। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? फाइन। अभी आपने देखा वो वेस्ट इंडीज था, मतलब नाइजेरियन था। हम स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस स्टडीज, ये देखो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस स्टडीज, मतलब ए टू जेड कोर्स यहाँ पर होते हैं भाई साहब। जो कोर्स आपको करना हो ए टू जेड कोर्स यहाँ पर करने को मिलेंगे। देखो यहाँ भी कैंटीन है, फिलहाल ये बंद पड़ा है। फाइनली अब अपने हॉस्टल के तरफ पहुँच गए हैं, जहाँ पर मैं जिस कैंपस में हॉस्टल में मैं रहता था उस कैंपस में पहुँच गया हूँ मैं उस हॉस्टल के पास। यहाँ पर हम लोग बैठे रहते थे शाम के टाइम यहाँ पर बैठने का बहुत अच्छा है। फिलहाल तो अकेले आया हूँ इसलिए किसी को, मतलब ये कैमरा पकड़वा भी नहीं सकता हूँ, पहचान का कोई हो तब तो। ये मेन एंट्री गेट है लॉ के लिए, ये मेन एंट्री। अभी जा रहा हूँ हॉस्टल के पास, देखता हूँ क्या है। खाने देंगे तो खा लूँगा ऐसे तो खाने नहीं देगा सारा मैनेजर, चूतिया साला, एक नंबर का बदमाश था। ये पता आपको, ये है शारदा की सबसे बड़ी हॉस्टल मंडेला। मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा, ये इसका बैक पोर्शन है मंडेला का बैक। इसमें अफगानी, वेस्ट इंडीज, नाइजेरियंस जो भी होते हैं, कश्मीरी वगैरह सारे इसमें रहते हैं। इंटरनेशनल हॉस्टल है ये। सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है रेक्टेंगल, मतलब एंगल में, वो एंगल का शेप जो बना हुआ है, ये है जिम एंड लाइब्रेरी भी है, विवेकानंद लाइब्रेरी। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया यहाँ पर, हर चीज़ को चेंज कर दिया इन्होंने। ये है तो सब कुछ है। ये बच्चे शायद क्या कर रहे हैं पता नहीं, हॉस्टल लाइफ का बात ही अलग था भाई, बाहर निकल के अपना कैंपस में। देखो इसमें भी कुछ बना ही रहे हैं शायद, ये अपना हॉस्टल, हॉस्टल की तरफ का है, ये हॉस्टल तरफ जा रहा हूँ मैं। ने? आज भी वो कैंटीन है बट आज बंद है वो कैंटीन। तो ये हॉस्टल हमारा है, था विवेकानंद हॉस्टल। अभी भैया के पास जाकर देखते हैं। ये मेरा हॉस्टल था सामने, और यहाँ पे खाने पीने के लिए वो ये चिकन फ्राइड राइस। तो ये है हमारा हॉस्टल विवेकानंद हॉस्टल, मैं आपको दिखाता हूँ ये हॉस्टल। इसके पीछे विवेकानंद, इसी में मैं रहता था पहले। ये इस मतलब फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे आते हैं ना उनके लिए है, फर्स्ट ईयर जैसे बच्चे जैसे हुए उनके लिए आते हैं, तो वो उनके लिए। फिर वो ये हो गया, इसमें इसमें रहते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हो इसमें रहते हैं MBBS, BDS और BSc नर्सिंग वाले बच्चे। नहीं BSc नर्सिंग नहीं, सॉरी BSc नर्सिंग वाले भी विवेकानंद में रहते हैं। इसका नाम है जवाहर हॉस्टल। ये मेरा मेस था, खाने पीने के लिए यहाँ पर अपन आता था। ये अपना मेस है, चावल दाल रोटी सब्जी बेहतरीन खाना, फर्स्ट क्लास। अच्छा चेंज हो गया, ये टैगोर काउंटर है, मतलब इनको अलग सिस्टम खाना मिलता है। कृपया भोजन लेते समय लाइन रोक कर दूसरे रोगी के लिए सुविधा ना करें। ये भाई साहब, ये हमारा हॉस्टल का था विवेकानंद काउंटर। ये भाई लोग आए हैं एडमिशन के लिए, अब ये लोग शायद एडमिशन ले लिया, लोग हॉस्टल वगैरह अपना चेक कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब पंच कर दिया है,
Hey bro, how are you? What are you doing here? सिस्टम चेंज कर दिया ओ ताऊ, ये देखो भूल गए, भुलक्कड़ इंसान हो तुम, बहुत जल्दी भूल जाते हो। हाँ मुकुल सर है क्या? मुकुल सर है क्या? मुकुल सर अब यहाँ कहाँ रहते हैं? चले गए मुकुल सर को, तो हम लोग फॉरेन कंट्री भेजिए। फॉरेन चले गए वो? क्या है बढ़िया है ना? ये हमारे अंकल जी हैं, कहाँ रहता था मैं, खाना पीना सारा। चलो ठीक है अंकल, ये लोग आए थे हॉस्टल में, मैं दिखा दिया थोड़ा। इन लोगों को पता है ये सब मतलब यहाँ के स्टाफ मेंबर्स वगैरह जो भी, हाँ यहाँ पर जो यहाँ पर जितने गार्ड्स थे मैंने उनको 3-4 टाइम ला करके खाना खिलाता था। ये वार्डन से लेकर मैनेजर तक थक गया था मेरे को परेशान तंग करते करते कि तेरा तेरे को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मैं जो करना करना लेकिन मैं खिलाऊंगा खाना। बुलाया ना इधर आइए, तभी तो गया अंदर, उसका आँख कमज़ोर हो गया है, पता नहीं उसको गार्ड में कैसे रख लिया अभी। BSc पटना से हुआ आप लोग का? ये भाई लोग भी एडमिशन लेने निकले आते हैं MSc माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा अच्छा, तो ये लोग ये पटना बिहार से आए हैं, तो मतलब हाँ व्लॉग बनाता हूँ। ये है मंडेला हॉस्टल, इसमें भी चलना है क्या? इसका बाप घुसने देगा, अगर गार्ड मेरा पहचान का निकल गया तो वो बोलेगा ये सर कोई दिक्कत नहीं है।